मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, ये हमारे दोस्त अहमद हमज़ा है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ भाई से कुछ बात करने के लिए। ये जो है स्टूडेंट्स के ताल्लुक से है जो सितंबर इंटेक में आना चाहने की ख्वाहिश रखते हैं। और हमज़ा भाई, आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? अभी मेरी पढ़ाई देखिए ठीक चल रही, हम लोग भी सितंबर इंटेक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं और कैसा क्लासेस लेने वाले हैं। बोलकर जी, क्या पढ़ रहे हैं आप हमज़ा भाई? मैं देखिए मास्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, माशा, तो वही पढ़ाई चल रही है, अभी मेरा सेकंड ईयर शुरू हुआ। तो हमज़ा भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो है यूके में स्टूडेंट्स को लेकर सिचुएशन अभी क्या है और स्टडीज़ वगैरह उसके बारे में कुछ आप बताएं। सबसे पहले बात ये है कि यूके में ऑन एवरेज डेली देखिए 500 केसेस रजिस्टर हो रही है ये वायरस के। उसके अलावा ये है कि अभी तक 287,000 लोग इफेक्टेड है ये वायरस से और तकरीबन 45,000 लोग का डेथ हो गई, 45,000 लोगों की डेथ हो गई। एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है ये। बहरहाल अभी लॉकडाउन ईज करे, काफ़ी सारे केसेस को कंट्रोल में लेके आए और गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न है इकोनॉमी को लेकर। सितंबर इनटेक में जब हम आना चाह रहे हैं, मैं वो बच्चों से स्पेशली ये बात सामने रखना चाह रहा हूँ। चंद फैक्टर्स है जिसको आप अपने नज़र में रखें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। नंबर वन फैक्टर ये है कि क्या सितंबर इनटेक में यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ओपन हो रही भी या नहीं, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ पोस्टपोन कर रहे हैं अपने सेमेस्टर को, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप मालूम करें आपकी जो भी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है कि वो यूनिवर्सिटी वाकई में सितंबर में ओपन हो रही फिर या उसको पोस्टपोन कर। नंबर टू फैक्टर ये है कि इन्फेक्शन रेट क्या है जो भी एरिया में आप आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप लंदन में आ रहे, कोवेंट्री में आ रहे, बर्मिंगम में आ रहे, कौन से भी एरिया में आप आ रहे, तो आप मालूम करें कि वहाँ पे इन्फेक्शन रेट क्या चल रहा। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक 100 मेंबर्स है, 100 पीपल है, तो उसमें कितने आदमियों को ये कोरोना वायरस इफेक्ट करने के चांसेस है, तो ये आप ज़रूर मालूम करें। और नंबर थ्री फैक्टर ये है कि आप मालूम करें कि वेव्स का, सेकंड वेव आने का चांसेस कितने हैं। रिसेंटली लेस्टर में लॉकडाउन फिर से इम्पोज करें, क्योंकि लेस्टर में फिर से कोरोना वायरस शुरू हो गया, तो वहाँ पे 2 वीक्स के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिए। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर मालूम करें, और ये भी मालूम करें कि यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए क्या मेजर्स ले रही, वो चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या मेजर ले रहे बोलकर। तो ये चंद फैक्टर्स है देखिए जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, नज़र में रखना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। हमज़ा भाई, इन दिनों गवर्नमेंट का जो है गाइडलाइंस कुछ बता रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और जो है यूनिवर्सिटीज़ का कलेक्टिव रिस्पांस क्या रहेगा ये दिनों? यूनिवर्सिटीज़ का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना ओन रिस्पांस है, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग है, उनके सरकमस्टांसेस अलग है, एरिया अलग है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा, हर एक का एक अलग रिस्पांस आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को ले लें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 2021 सितंबर तक पूरे क्लासेस जो भी होने वाले हैं वो पूरे ऑनलाइन कंडक्ट होने वाले हैं। और फिर अगर आप वही यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन को देखें, तो वो लोगों ने सितंबर 2020 का इंटेक ही कैंसिल कर दिया, करके डायरेक्ट जनवरी 2021 से वो अपना एक नया इंटेक शुरू करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर एक अलग अलग रिस्पांस है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो पार्शली अपने क्लासेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ है जो बच्चों को बुला रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करा रहे हैं, मगर फिर भी क्या हो रहा, लैब्स में वगैरह बच्चे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, और वो इक्विपमेंट्स यूज़ करने के दौरान एक दूसरे से वायरस को एक्वायर भी कर सकता। तो ये फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर देखें कि यूनिवर्सिटीज़ क्या स्टेप्स ले रहे हैं लैब्स को डिसइनफेक्ट करने, क्लासेस को डिसइनफेक्ट करने, प्रोफेसर्स कैसा आ रहे, क्या बात कर रहे, कोई इन्फेक्टेड बच्चों को कैसा रोक रहे वो लोग, तो ये सब नज़र में रख कर आप डिसीजन ले कुछ भी ले रहे हैं। फिर आप लोग जो यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें कि वो लोग आपको क्या फैसिलिटीज़, क्या एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर आपके रिक्वायरमेंट्स को क्या वो लोग फुलफिल कर सक रहे हैं या नहीं, वो पूरे ध्यान में रख कर आप डिसीशन ले कोसा भी। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है जो भाई ने अभी बताई है हमें, ये इस बारे में आप सोचें, ख्याल करें इस ये ताल्लुक से। हमज़ा भाई, आजकल ये कोरोना वायरस के चक्कर में आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इन दोनों एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है? जब क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं तो उसमें अटेंडेंस भी रेगुलर मेंटेन की जा रही, कई बच्चे क्लासेस ऑनलाइन अटेंड नहीं कर रहे और उसकी वजह से वीज़ा का भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है जी। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है हम आपको। और इसके अलावा देखिए, एग्ज़ाम्स पूरे ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन आपको पेपर भेज दिया जाएगा, आप आपका एग्ज़ाम लिख देंगे, लिख के फोटो कॉपी लेंगे उसकी,
लेकर वो लोग को फॉरवर्ड कर देंगे, तो वहीं से आपको मार्क्स वगैरह जो भी है इवेलुएट करके वो लोग दे देंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ना करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता, उन लोगों को एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता। वो लोग चाहते हैं कि फिजिकल क्लासेस अटेंड करें। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो आप भी ज़रूर ये चीज़ को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें कि ऐसा मेरा ये मेरा पर्सपेक्टिव है, फिर आप लोग इसके लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं बोलकर आप ज़रूर उन लोगों से पूछें। हमजा भाई, अब हर स्टूडेंट्स जो है एक हिसाब से नहीं रहेंगे जी, उसमें से थोड़े से जो है वेल टू डू हैं, थोड़े जो है मेहनतकश हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फिर उनके हिसाब से फिर कैसा? आप बहुत सही सवाल करें। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फीस पार्शियली या एक अच्छा सारा अमाउंट वो पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू अर्न करके पे करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि कई यहाँ पे कंपनीज प्रॉब्लम में हैं, कई कंपनीज बंद हो रहे हैं, तो आप लोगों को जॉब्स मिलने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। आप जो भी सिटी को आ रहे हैं, जो भी जगह को, जो भी प्लेस को आप आ रहे हैं, वहाँ पे आप पहले मालूम कर लें कि वहाँ पे वाकई में जॉब्स मिल रहे हैं, फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी कुछ जॉब्स प्रोवाइड कर रही पार्ट टाइम जॉब्स, ये सब मालूम कर कर आएँ। और मेरा एक सजेशन यही है कि आप लोग अगर आना चाह रहे तो एक अच्छे सिटी को आइए, जैसे कि लंदन है, बर्मिंगम है, ग्लासगो है, ऐसे बड़े सिटीज़ को आएँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा यह भी है कि आप लोगों को वहाँ पे इंटर्नशिप्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप कोई विलेज एरिया में गए तो वहाँ पे आप लोगों को इंटर्नशिप मिलने के चांसेस कम रहते हैं। आप इंटर्नशिप ढूंढने के लिए भी कोई सिटी को जाना पड़ता, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कंट्री साइड पर एडमिशन्स लेकर आते, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता। देखिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज हर एक इंसान को फ्री है। मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ पूरे NHS को, NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस को, तो मैं अपने दिल से उन लोगों को थैंकफुल हूँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।